किसानों की आय को दुगना करने के लिए शासन और प्रशासन ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी के चलते आज यूपी के शाहजहांपुर में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए जागरूक किया गया। जिला प्रशासन का कहना है कि खेती में आधुनिकीकरण से वक्त तो बचेगा ही, साथ ही किसान की आय भी दोगुनी हो सकती है। दरअसल यहां के गन्ना शोध परिषद सभागार में आज किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के आला अफसरों और जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी तादाद में किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों को बताया गया कि वह आधुनिक तरीके से खेती करके अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं, साथ ही अपना वक्त भी बचा सकते हैं। मौजूदा वक्त में किसान परंपरागत खेती पर ही निर्भर हैं। यहाँ गन्ना, धान और गेहूं की फसलों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन इस गोष्ठी में किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि वहाँ परंपरागत खेती से अलग हटकर दूसरी फसलों का उत्पादन भी करें, जिससे किसान की आय दोगुनी हो सकती है। वहीं कुछ किसान अब यहाँ अपना दर्द भी बयां करते नजर आए। गोष्ठी में आए किसानों का कहना है कि आवारा पशु उनकी मेहनत की फसल को नष्ट कर देते हैं, जिससे उनकी लागत भी नहीं निकल पाती है। फिलहाल जिला प्रशासन ने यहाँ के कृषकों से अपील की है कि वह आधुनिक तरीके से खेती करें। आप जो दुनिया आमदनी के ऊपर मतलब ये आस्था बताई गई कि दुनिया आमदनी कैसे हो सकती है, साइड से दूसरा काम कर डीएम साहब भी बोले थे। मेरे अंदर सोच ये है कि हमारे साथ संसाधन कोई है नहीं है, हम नरेगा में काम करते हैं, तो हम दूसरा साधन नहीं होगा तो हम पैसा जुटा नहीं पाएंगे। ये मतलब जो है कार्यक्रम नरेगा के अंतर्गत जोड़ने जो करीब किसान दोनी आमदनी कर सके। दूसरी बात, जो हम फसल पैदा करते हैं सर, उसमें जो है जो आवारा पशु घूम रहे हैं, मैंने डीएम साहब को कही था, अमृत प्रभा से कहा था कि निगरानी समिति बनाई जाए, उसमें जो है एक अध्यक्ष होगा। अब मैं अपने किसी कोई गलती से जानवर छोड़ता है उस पर जुर्माना होना चाहिए। मेरी खड़ी फसल भी नष्ट हो जाती है 6 महीने की, एक दिन में चली जाती है, दोनी आमदनी खत्म साहब हो जाती है। कृषक गोष्ठी का आयोजन इसलिए किया गया था कि इस समय जो फसलें बोई जा रही हैं वर्तमान में, विशेष रूप से उड़द और मूंग, इन फसलों के लिए एक तो उन्नत बीजों का वितरण हो जाएगा इस माध्यम से, दूसरे इस कृषक गोष्ठी के माध्यम से वैज्ञानिकों को हम लोग एकत्रित करते हैं और कृषकों को इकट्ठा करके उनको बताने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर में मिट्टी की जो शक्ति है उसका परीक्षण करने के उपरांत कौन सी फसल उनको बोना चाहिए, कितना बीज लगाना चाहिए, उसमें कितने खाद और अन्य उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए, कब उनको पानी देना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, उद्देश्य कुल मिलाकर, और किस प्रकार के नए तकनीकी के उपकरण आ गए हैं जिनका इस्तेमाल करने से मजदूरी की लागत को घटा सकते हैं और वैज्ञानिक तरीके से सोइंग करके कल्टिवेशन करके वो ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिला के लब लुबाब ये है, उद्देश्य ये है कि 2021-22 तक हमारे किसान की जो आय है वो दोगुनी हो जाए, और आय को दोगुनी हम तभी कर सकते हैं जब हम उपज बढ़ावें और लागत कम करें। लागत कम करने का एक ही तरीका है कि जो उर्वरक हैं उनको कम से कम इस्तेमाल हो, जितना आवश्यक है उतना इस्तेमाल हो, पानी जिसको आप निकालोगे इस्तेमाल करोगे तो एक तो स्रोत कम होता है, दूसरे सिंचाई की लागत बढ़ती, वो लिमिटेड हो जाए। तो इस नज़रिए से आज यहाँ पर यह संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी कृषकों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। कृषक वैज्ञानिक जो हैं उनके द्वारा भी जानकारियां दी गई हैं किसानों को, और इनको ये भी आह्वान किया गया कि इसके बावजूद उनको जब कभी ज़रूरत हो तो गन्ना शोध संस्थान है, गन्ना बोने के लिए यहाँ पर वो जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, और अन्य जो हमारे कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ब्लॉक स्तरीय कार्यालय हैं, वहाँ से भी आवश्यक जानकारियाँ एकत्र कर सकते हैं ताकि अपनी आय को दोगुना कर सकें, धरती का स्वास्थ्य अच्छा रह सके, कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल हो और उनकी आय दोगुनी हो जाए।